हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसमें जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या इसको लेकर के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स हो रही है, और क्या क्या कमिटीज़ हैं शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर को लेकर के। और पूरा इस टॉपिक को फिर से डिटेल्ड में पढ़ेंगे और काफ़ी ब्रीफ में पढ़ लेंगे। उसी के साथ जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारा अचीव आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिस पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। उसी के साथ हमारे इंस्टीट्यूशन के जो भी अपडेटेड प्रोग्राम्स हैं, जो भी टेस्ट सीरीज है, उसका अपडेट आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसने अपना 16th फाउंडेशन डे जो है ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट किया। इस ओकेजन पर उन्होंने जो है अपने एक नेशनल अवार्ड की घोषणा करी, NCST लीडरशिप अवार्ड। ये अवार्ड उनको दिया जाएगा जो शेड्यूल ट्राइब्स जो ST हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनके प्रति जिनकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और एग्जेम्पलरी रहेंगी, तो उनको ये दिया जाएगा। तो दो फैक्टर थे जिस वजह से न्यूज़ में रहा। पहला, इन्होंने 16th फाउंडेशन डे ऑर्गेनाइज किया। दूसरा, NCST लीडरशिप अवार्ड का इन्होंने गठन किया। तो अब बात करते हैं, देखो शेड्यूल ट्राइब है कौन। तो जो 1931 का सेंसिस था उसके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स जो थी वो बैकवर्ड ट्राइब्स के नाम से जानी जाती थी, और वो ट्राइब्स जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में रहा करती थी उनको बैकवर्ड ट्राइब्स कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहले बात की गई कि इन बैकवर्ड ट्राइब्स का जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रोविंशियल असेंबलीज में। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि किस तरीके से किस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। लेकिन जो 1931 की जो डेफिनेशन थी कि जो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में रहते हैं, वो ये क्राइटेरिया माना जाता था जो इनिशियल ईयर्स थे इंडिपेंडेंस के। उसके अलावा जो आर्टिकल 366(25) है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि वो एक प्रोसेस देता है कि आप शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन कर सकते हो। उन शेड्यूल ट्राइब को आप डिफाइन कर सकते हो जो आर्टिकल 342 के अंडर में आती होंगी। आर्टिकल 342(1) क्या कहता है कि प्रेजिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी और वेयर इट इज़ अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ठीक है, या तो जो प्रेसिडेंट है सीधे सरकार या यूनियन टेरेटरी की सरकार से कंसल्ट कर ले, और जहाँ पे राज्य है वहाँ पे गवर्नर के कंसल्टेशन से वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा और किसी को भी क्या नाम है वो ट्राइब शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है। तो जिसको भी शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दिया उसका जो है प्रोसेस है डिफाइन करने का आर्टिकल 366(25) में। इंडिया के अंदर आज की तारीख में 700 से ऊपर ट्राइब्स नोटिफाइड हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो उड़ीसा में है जो कि 62 है, और कोई भी ट्राइब जो है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हुई है। कुछ कमिटीज़ की बात कर लेते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है। सबसे पहली कमेटी 1965 में लोकुर कमेटी, जिसको सेटअप किया गया था कि आप जो है क्राइटेरिया डिफाइन करिए कि किस तरीके से किस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब कहा जाए या ना कहा जाए। तो कमेटी ने जो है 5 क्राइटेरिया रिकमेंड किए थे। उसमें था प्रिमिटिव ट्रेड्स, दूसरा डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और बैकवर्डनेस। उसके अलावा 2002-2004 में आया भुरिया कमीशन, जिसने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को जो है कवर किया, और उन्होंने कहा कि उनका लैंड फॉरेस्ट में है या नहीं है, कहाँ रहते हैं, हेल्थ और एजुकेशन का क्या स्टेटस है, वर्किंग कैसे होती है उनकी पंचायत की, और उनमें वुमेन का क्या स्टेटस है। इन कुछ आधारों पे उन्होंने अपना जो रेंज थी उसको वाइडन किया और इन क्राइटेरिया को भी इंक्लूड किया। उसके अलावा 2013 में एक हाई लेवल कमिटी सेटअप होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर विर्गिनियस सासा, जिन्होंने जो है 5 क्रिटिकल इश्यूज दिए किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। सबसे पहला लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, चौथा इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन, और 5वां लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये कुछ कमिटीज़ थी और उनसे रिलेटेड आउटकमिंग्स थी उनकी रिपोर्ट्स में। उसके अलावा बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स पे। तो जो आपका NCST है
वो 19 फरवरी 2004 में सेटअप हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 338 में और एक इंसर्शन हुआ था न्यू आर्टिकल का 338A जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हुआ था और इसलिए जो NCST है आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ये ध्यान रखना ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव है कि जो आर्टिकल 338A है वो NCST को थोड़ा ऑटोनोमस बनाता है कि जितने भी हमारे पास लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितनी भी आपके पास स्कीम्स हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हो बेटर हो सके और जो सेफ गार्ड्स हैं वो अच्छे से मिल सके ST को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें दिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। इसमें जो अदर क्राइटेरिया है कि इनमें से एक महिला जो है वो वुमेन होनी चाहिए और उसमें जो है चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, वो 3 साल के लिए जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं। उसके अलावा कोई भी एक मेंबर 2 बार से ज़्यादा अपॉइंटमेंट पे अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ मैक्सिमम 2 बार ही अपॉइंट हो सकता है। उसमें बात आगे की जाती है कि जो चेयरपर्सन होगा उसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा और जो वाइस चेयरपर्सन होगा उसको एक राज्य सरकार का जो जो राज्य मंत्री होता है उसका दर्जा दिया जाएगा और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको जो सचिव होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनका दर्जा दिया जाएगा। ड्यूटीज़ और फंक्शंस की बात कर देते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू सेफ गार्ड्स डेट आर प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स उन मैटर्स को मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है कि कहीं पे किसी शेड्यूल ट्राइब का राइट्स का हनन हो गया है, सेफ गार्ड्स नहीं मिले हैं तो उस केस में इंक्वायरी करना। उसके अलावा ST का किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उसकी जो प्लानिंग प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करना, अपनी एडवाइस देना, ठीक है, और उसके अलावा जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना। तो दीज आर सम ड्यूटीज एंड फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। उसके अलावा वो एनुअली क्या होता है अपनी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ रिकमेंडेशंस भी देते हैं और रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो यूनियन और स्टेट को जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि क्या नाम है प्रोटेक्शन हो सके, एक वेलफेयर हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके शेड्यूल ट्राइब्स का। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो भी अगर कोई अपना लॉ बनाता है अलग से, ठीक है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना और उसका भी वेलफेयर देखना ये सारा काम भी आपकी NCST का होता है। तो बेसिकली यही कुछ मेजर फंक्शंस थे, ड्यूटीज़ थी जो हमने इसके अंदर डिस्कस करी। उसके अलावा हमने पूरा फॉर्मेशन जाना, NCST का क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इंपॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट्स था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव तो सबको पता ही है। उसके अलावा इसका कॉम्पोजिशन की एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, 3 मेंबर है, एक महिला होनी चाहिए, 2 बार से अधिक अपॉइंट नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं प्री में आ सकते हैं आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में। और उसके अलावा जो कमिटीज़ हैं कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, 3 कमेटी थी। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब का क्या क्राइटेरिया है, क्या सिनेरियो है आज की तारीख में, वो इस स्लाइड के अंदर हमने जाना और न्यूज़ में क्यों था ये तो हमने बता ही दिया आपको। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके प्री के पर्सपेक्टिव से। सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी सजेशन से फीडबैक है आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।